गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम बैक टू माई व्लॉग। आज है 22nd एंड कल है 23rd। आई एम वेरी एक्साइटेड कि कल रियांश का बर्थडे है। मैं एक एक दिन ऐसे गिन रही हूँ जब से दिसंबर आया है कि रियांश का बर्थडे है और इस बार कुछ स्पेशल करना है, पहले से कुछ अलग करना है। हर बार का यही रहता है ना कि उस बर्थडे पे हमने ऐसा किया था तो इस बर्थडे पे हम क्या करेंगे। तो आज मेरे भाई बहन भी आने वाले हैं, तो बस अभी सुबह रियांश को स्कूल ड्रॉप करने गया है विक, और वहाँ से मैंने बोला है फिश वगैरह लेके आने के लिए। मैं आज फिश बनाऊंगी एंड कल तो बंगाली कल्चर है हमारा, आपको वो भी देखने को मिलेगा कि हम लोग हमारे बच्चों के या हमारे बर्थडे पे हम लोग क्या करते हैं, ऐसा क्या होता है हमारे कल्चर में। इधर आओ, चले स्कूल, स्कूल चले, हाँ चले, चलो आओ, अच्छा आओ, चलो ये। अच्छा रेड लाइट स्टॉप, ग्रीन लाइट गो। तो विक आ चुका है और मैं हमारा ब्रेकफास्ट बनाऊंगी, और वो लेके आया है सब कुछ सामान लेके आया है आज। एक्चुअली मैं भूल गई थी तो उसने मुझे कॉल करके पूछा और क्या क्या लेके आना है, ये लेके आना है, ये रह गया है। मैंने बोला हाँ हाँ यार याद आ गया। और ये देखो विक का काम शुरू, विक काम शुरू। तुम तो करते नहीं हो, मेरे को ही करना पड़ता है बेचारा हस्बैंड। कितने अच्छे हो तुम, है ना, यही देख के तो मैंने तुमसे शादी की थी। बच्चे को छोड़ के आओ फिर रात मुझे पता था तुम मेरी बहुत हेल्प करोगे, ऐसे ही तो हस्बैंड सबको ही चाहिए हेल्पफुल। इस जन्म में मिला, अगले जन्म में नहीं मिलेगा। नहीं, मुझे हर जन्म में चाहिए और मैं तुम्हारे पीछे पड़ी रहूंगी हर जन्म में। लिए फिर फटाफट से मैं हमारा ब्रेकफास्ट भी बना लेती हूँ क्योंकि आज काफी तैयारी भी करनी है, और थोड़ी देर में मेरे भाई बहन भी आते ही होंगे, और जब वो आएंगे मैं आप लोगों को उनसे जरूर मिलवाऊंगी। वो लोग थोड़े से ना शर्माते हैं, थोड़े शाय फील करते हैं जब कैमरा उनके सामने होता है, तो देखते जाइए आप। एक रियांश को अभी स्कूल लेने चला गया है, रियांश अभी आता ही होगा, और मैंने रियांश के लिए वेजिटेबल एंड दलिया खिचड़ी बनाई है और उसे फिश फ्राई भी दूंगी मैं। और फिश धोते धोते इतनी देर लग गई ना, अभी तक मेरा हमारा लंच नहीं बना है, बस मैंने वेजिटेबल्स काट के रख दिया, अब मैं लंच बनाऊंगी। क्या किया आपने स्कूल में आज, हाँ कुछ नहीं बोलोगे, देखो जो देखो। हेलो, आ गया है स्कूल से। क्या आया है ये, रियांश स्कूल से आ गया है, क्या आयू रियांश। रियांश उल्टी कैप कैसे पहनी है ये, हाँ ये क्या आया है, इतना बड़ा क्या आ गया। तुम्हें याद ही नहीं रहता, ओह इसका तो बस ये स्टार्ट हो जाता है। ओए उल्टी कैप पहन के, हाँ देखना। किसने पहनाई उल्टी कैप, क्या ये क्या है ये, देखो मैं भी भूल गई क्या आया है इसमें, इतना कुछ तो ऑर्डर करते रहते हो तो भूल जाती हूँ मैं क्या किया था ऑर्डर, क्या आया है। ओह काफी बड़ा है ना, हाँ काफी बड़ा है, अच्छा है ये। तो ये टेबल हमने मंगाई है रियांश के बर्थडे के लिए, और हम सोच रहे थे इसमें केक रखेंगे, तो अमेज़ॉन पे काफ़ी अच्छे प्राइस में मिल गए, देखते हैं कैसा है। टेबल तो, टेबल का साइज तो सही है, काफ़ी बड़ी है, मुझे लगा छोटी आएगी। नाइस, टेबल तो अच्छी लग रही है। सही है। क्या पता क्या पता, वो ये बाल कैसे हो गए हैं, आपके बाल कैसे हो गए हैं, चिपक गए हैं बिल्कुल।
क्या हो गया बालों को? हाँ आओ इधर। तो रियांश अब सो गया है लंच करने के बाद, मैंने उसको लंच दे दिया है। अब हम हमारा लंच करेंगे और उसके बाद हम लोग भी थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। और फिर भाई बहन से मैंने पूछा था, वो लोग बस में बैठ चुके हैं, अब बस तब तक वो पहुँच ही जाएंगे जब तक हम लोग उठ जाएंगे, तो तब तक के लिए रेस्ट कर लेते हैं हम। तो अब शाम हो चुकी है और रियांश भी उठ गया है, बैठा हुआ है रियांश, टीवी देख रहा है अपना, और भाई बहन भी आ चुके हैं, नीचे है और विक लेने जा रहा है उन दोनों को, तो फिर उनसे मिलते हैं। चलिए रियांश, कौन आने वाला है? मौसी और मामा आ रहे हैं। रियांश इज़ वेरी हैप्पी, है ना? बहुत खुश है रियांश। और ये आ गए मेरे भाई बहन, काफ़ी लंबा सफ़र करके। और बहन किधर है? ये रही बहन। और बहन कैसी हो? हाँ उतार दो, मतलब उतार भेजे डांस करो रे, डांस करो, डांस करो, डांस 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 डांस। क्या खा रही हो तुम? मैं खा रही हूँ, मम्मी ने भेजा है अपने हाथों से बना के, चना साग और राइस। मजा आ गया। क्या हो गया? भाई को थोड़ा सर्दी जुकाम हो गया है। और तुम्हें क्या हुआ है? मैं परफेक्ट हूँ। तुम्हें भी तो कुछ हुआ है, होठों के अंदर सलाइवा इकट्ठा हो रहा है। वो मेरी थोड़ी प्रॉब्लम है बचपन की। अच्छा, नहीं वो कल से हुई है प्रॉब्लम स्टार्ट तुम्हें। मतलब ज्यादा हो गया है। व्लॉग में तो मैं एडिट कर देता हूँ, वरना तो बस फेमस हो जाओगी तुम एक ही दिन में। मैं पहले से ही फेमस हूँ, मेरे नाम से तुम फेमस हो रहे हो। क्यों? इसके टॉयज हैं ये? वाह, ये टॉयज तो बढ़िया है भैया। तो सू बना रही है अभी सबके लिए चाय या कॉफी? सबके लिए चाय, बस भाई के लिए कॉफी, वो चाय नहीं पीता उतना, इसलिए कॉफी बना रही है उसके लिए। अच्छा। कॉफी पीनी है उसको। सही है। हाँ, और पाव भाजी बन रही है सबके लिए। ये न्यू टॉय मिला है रियांश। किसका टॉय है? और लो, तोड़ दिया। ओ रियांश, अभी से ही तोड़ फोड़ करने लगे? नहीं नहीं, नो नो रियांश, ऑन कहाँ से होता? नो, अरे तोड़ देगा ये, तोड़ देगा। ले तोड़ दिया। लो, नहीं खोल दिया पूरा, इंजीनियर बनेगा। तुम क्या बनोगी? मैं तो बन चुकी। कल की डेकोरेशन की क्या प्लान है, वो तो बताया नहीं। कल एक्चुअली हमने सोचा डेकोरेशन का कि हम लोग अब इस बार खुद से तो इस बार हमने सोचा है कि हम लोग इस बार खुद से डेकोरेशन नहीं करेंगे, क्योंकि इस बार हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग एक साथ टाइम स्पेंड करेंगे। खांसी आ गई इन दोनों को। विश्वजीत बेचारा शर्मा गया, चेहरा नीचे बिल्कुल। अरे अपना Continue. कुछ नहीं, रियांश का बता रही हूँ। इस बार हमने सोचा है कि हम लोग मस्ती करेंगे साथ में और हंसी मजाक करेंगे, क्योंकि ना टाइम ही नहीं मिल पाता डेकोरेशन में, इतना थोड़ा टाइम ले ही लेता है। तो इस बार हमने सोचा है कि हम लोग खुद से डेकोरेशन नहीं करेंगे, क्योंकि उससे क्या होता है ना, थोड़ा टाइम बचता है और एक साथ टाइम स्पेंड करने का मौका भी मिलता है, थोड़ा हंसी मजाक मस्ती करेंगे इस बार। तो हमने इस बार बाहर से ही डेकोरेशन करने के लिए बुलाया है। कि एक्साइटमेंट तो काफी हो चुकी है हम दोनों में, और विश्वजीत और मोनी भी काफी एक्साइटेड है। डेकोरेशन जैसे सू ने बताया, हमने प्लान करा था, हमने पिछले ब्लॉग में भी दिखाया था कि हम खुद ही डेकोरेशन करने वाले हैं, बट इस बार थोड़ा प्लान हमने चेंज करा, और क्योंकि काफ़ी टाइम भी उसमें लगता है डेकोरेशन खुद से करो, तो हमने सोचा कि क्यों ना चेरिश से ही कराया जाए। तो वेबसाइट आपने काफ़ी लोगों ने सुना भी होगा, तो हमने इस बार चेरिश से ही अपना डेकोरेशन का ऑर्डर करा है, और जो थीम थी जो हमने लास्ट ब्लॉग में बताया था कि वाइल्ड थीम रखेंगे हम। तो आज का दिन हमारा बस हंसी मजाक और मस्ती में ही निकल गया, तो बस कल आपको दिखाते हैं रियांश का बर्थडे व्लॉग। तो बने रहिए हमारे साथ और हमें कमेंट में जरूर बताइएगा आज का व्लॉग आपको कैसा लगा, और अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।